साहिवाल से सिटी टीवी पाकिस्तान नुमाइंदे खसूसी अरशद सरदार चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर सईद अहमद रोदी ने तमाम सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स और दीगर ट्रैफिक स्टाफ के साथ अपने दफ्तर में मीटिंग का इनाकाद किया है, जिसका मकसद ट्रैफिक स्टाफ की कारकर्दगी का जायजा लेना और इसको मजीद बेहतर बनाना था। सईद अहमद लोधी ने कहा कि फील्ड स्टाफ अवाम उन्नास से खुश अहलाकी से पेश आएंगे, ट्रैफिक स्टाफ अपना टर्न आउट बेहतर बनाए, अच्छा यूनिफॉर्म पहने, अपनी ड्यूटी पॉइंट्स पर अपनी हाजिरी को न सिर्फ यकीनी बनाएं बल्कि ईमानदारी और मेहनत से ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दें। ड्यूटी में कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा बुनियादी मकसद आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और एडिशनल आईजी हेड ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग और रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल महबूब रशीद और डीपीओ साहिवाल फैसल शहजाद के विजन के ऐन मुताबिक शहरियों को बाइज्जत तरीके से बेहतरीन सफरी सहूलियात और इनके लिए रोड्स पर आसानियां पैदा करना और ट्रैफिक शाउर उजागर करते हुए हादसात में कमी लाना है। उन्होंने मजीद कहा कि करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर ने अच्छी ड्यूटी करने वाले ट्रैफिक स्टाफ को शाबाश दी और मजीद नेक नियति और ईमानदारी से फराइज की अदायगी को यकीनी बनाने की हदायत कर दी।